के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी जनसभा को संबोधित करने महोबा पहुंचे थे। उनकी जनसभा में नाबालिग बच्चों द्वारा पानी के पाउच बंटवाए गए। पढ़ने लिखने की उम्र में जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए उनसे बाल श्रम कराया जा रहा है। बीजेपी की मंशा भले ही आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना है, लेकिन ये क्या कि डिप्टी सीएम के सामने ही भविष्य मजदूरी कर रहा है। प्रदेश के बीजेपी सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है, मगर ये कैसा विकास कि नन्हे मुन्ने बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला बुंदेलखंड के महोबा का है, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री चुनाव जनसभा को संबोधित करने आए थे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं की भीड़ को पानी पिलाने के लिए नाबालिग मजदूरी करते नजर आए। उन नन्हे मुन्ने बच्चों हाथों में पाउच की बोरी पकड़कर लोगों को पानी पिला रहे थे। ऐसा तब हो रहा था जब प्रदेश के डिप्टी सीएम खुद मंच पर मौजूद रहे। इससे ये अंदाजा लगाना आसान है कि बाल श्रम कानून कितना कमजोर है और लाचार है। जब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी और डिप्टी सीएम के मौजूद होने पर भी बाल श्रम चल रहा है, ऐसा पहली बार नहीं है। बीजेपी द्वारा जनपद में मासूम बच्चों से पोस्टर चिपकवाने के मामले में भी सामने आए हैं।